चलिए भाई लोग, स्वागत है एक बार फिर से ये छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। मैं हूँ आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तीन सिंह मरकाम जी। काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट वीडियो है उन भाई लोगों के लिए जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, और उनके लिए खासकर सरकार ने जो छात्रवृत्ति है जारी कर दिया गया है, लगभग 45 लाख से ज़्यादा रुपये का छात्रवृत्ति तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवारों के छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है सीधे उनके बैंक के खाते पे। तो इसको लेकर जो जानकारी है आज के वीडियो पे हम आप लोगों को बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। जी भाई लोग, छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के छात्रों को विशेष योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन जमा कर दिया गया है। इसकी शुरुआत मार्च से ही हो गया है, और अब हर क्षेत्रों के जो लाभार्थी छत्तीसगढ़ के हैं इस योजना का लाभ ले सकेंगे, और लगभग जो है इसका लाभ सबको मिलना शुरू हो गया है। अभी की अगर हम लोग बात करें अभी के डेटा की, जो कि आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो अब तक कुल छत्तीसगढ़ में 907 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के जो बच्चे हैं यानी कि विद्यार्थी हैं उनको 45.30 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन भुगतान किया है। तो भाई ऐसे में अगर आप अभी तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवारों से बिलोंग करते हैं या फिर आप भी तेंदुपत्ता तोड़ने चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेशक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी छात्रवृत्ति के तहत छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर सरकार ने यह सुविधा शुरू की है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई लोग, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक स्नातक के कोर्स के लिए छात्रवृत्ति एवं अनुदान प्रदाय योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खाते में यह राशि जमा किया जाता है। इस राशि संग्राहक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए और राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लागू योजना के तहत जो लाभ है उसको प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, छात्रवृत्ति एवं अनुदान प्रदाय योजना के तहत जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के जो छात्र छात्राएं हैं विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ये इस योजना के तहत जो स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब किसको कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है तो उतना डाटा हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन जो पैसे जो है जारी कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, जो कि 907 विद्यार्थियों को 45 लाख से ज़्यादा रुपये स्कॉलरशिप के तहत जारी कर दिया, तो आंकड़े हमारे पास है जो कि इस वीडियो को हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको जो डीप का भी अंदर का भी सारे चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो पे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, क्योंकि इस सारे चीज़ों के लिए रिसर्च लगता है, समय लगता है भाई, ठीक है। तो इसको लेकर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि जो छात्रवृत्ति है किसको मिलता है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, तो उसको लेके अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी को इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर MBA या नर्सिंग में प्रवेश लेने वाले पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपये दिया जाता है इस योजना के तहत। उसके बाद द्वितीय एवं बाद में जो वर्ष रहते हैं, क्योंकि 3-3 साल का कोर्स रहता है, तो उस दरमियान 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसके अतिरिक्त कुल 4 वर्षों तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे विद्यार्थी, जिसमें कुल मिला के 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है छात्रों के लिए, ठीक ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करें गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स के लिए, ठीक ना, जो कि व्यावसायिक नहीं है गैर व्यावसायिक है, तो उसको अनुदान योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी को, जो कि जैसे कि हम BA है, BCOM हो गया, BSc में जो प्रवेश लेने वाले हैं, तो उनको प्रथम वर्ष में 5,000 रुपये का प्रावधान है, द्वितीय वर्ष में 4,000 रुपये का प्रावधान है, और उसके बाद तृतीय वर्ष में 3,000 रुपये दिए जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से BA BCOM BSc में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 12,000 रुपये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है 3 साल में। पहले साल में तो 5,000 दिया जाएगा, उसके बाद 4,000 दिया जाएगा, उसके बाद 3,000, ये BA BCOM BSc वालों के लिए, जो कि पैसा भी जारी हो गया है। एंड उसके बाद जैसे कि इंजीनियरिंग मेडिकल विधि और MBA नर्सिंग वाले जो कोर्स हैं उनके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, पहला 10,000 रुपये, उसके बाद 5,000 रुपये, और इस तरह से 4 साल का जो कोर्सेस रहेंगे उस दरमियान कुल 25,000 रुपये छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। तो भाई इस तरह से कुल 45 लाख से ज़्यादा रुपये छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवारों के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि जो है ऑनलाइन जमा कर दिया गया है। आप इसको तो हम आप लोगों को ऑनलाइन जाके चेक नहीं करा सकते, ना ही उसका कुछ सुविधा है,
अब आप लोगों को अगर नहीं मालूम आप लोगों को अभी तक, तो आप अपना जो है बैंक अकाउंट जाके एक बार जरूर से चेक करा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यार जो आज का जो वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो पे, नमस्कार।